ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में विवाद तब देखने को मिला जब एक पाकिस्तानी समर्थक पाकिस्तान की जर्सी में जोर जोर से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था और एक पुलिस वाले ने आकर उसे रोक लिया। इट इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ लाइन, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे पाकिस्तान फैन, पाकिस्तानी फैन आए हुए हैं, आपने वीजा दिया हुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं, तो कोई बिजनेस ही नहीं है, पुलिस वाले को रोक रहे हैं। बहुत गलत हरकत है, बहुत ज्यादा गलत हरकत। पता नहीं किसने उसको पुलिस वाले को पट्टी पढ़ा के भेजा या क्या। हालांकि पर्सनली मेरा इस टॉपिक को लेकर यह मानना है कि ऑफिसर ने जो किया वो ठीक नहीं था, ठीक नहीं था, ये मेरा अपना मानना है। क्योंकि जिनको भी आपने इजाजत दी है पाकिस्तान को समर्थन करने के लिए, वो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे। सो जाहिर सी बात है कि जब वो पाकिस्तान को समर्थन करने के लिए पहुंचे तो वो कोई और नारे क्यों लगाएंगे। हमारी हरकतें ही इतनी भोंडी हैं कि पाकिस्तानी हमारे बारे में बिल्कुल ठीक कहते हैं कि हम लोग ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और हैं। ये बात करने वाला वो शख्स है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिटिक है, या ये कहा जाए कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में नजेबा तरीन बातें करने वाला सुशांत मेहता, वो भी उस बात पर फट पड़ा जो गुज़श्ता रोज स्टेडियम में हुई है। यानी कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले पाकिस्तानी क्रिकेट फैन को पुलिस आकर रोकती है और उसे वार्न करती है कि तुम ये नारे यहाँ पर, यानी भारत की सरजमीन पर नहीं लगाओगे। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह की ये हॉस्पिटैलिटी दिखाई जा रही है। हालांकि दुनिया भर में जहां भी किसी भी स्पोर्ट का मैच होता है तो वहां पर दूसरे मुल्क के खिलाड़ी जाकर अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए अपने नारे लगाते हैं, जबकि भारत में पाकिस्तानी ये कुछ नहीं कर सकते। पहले ही गिने चुने फैंस हैं जिनको वीजा मिला है, या फिर जो दूसरे ममालिक के पासपोर्ट पर भारत अपनी टीम को सपोर्ट करने आए हैं, बहुत बड़ी बात है। एक बड़ा खर्चा करके एक उस मुल्क में जहां पर उनकी जान को भी खतरा है, जहां वो पाकिस्तानी टीम की जर्सी पहनकर पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, इस बात से कतई नजर के पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस क्या है। लेकिन उस ग्रीन शर्ट को सपोर्ट करने या पाकिस्तान जिंदाबाद की सदा बुलंद करने अगर वो पहुंचे हैं तो भारतीय उन्हें वार्निंग दे रहे हैं। ये तो भला हो उस लड़के का जिसकी बहादुरी ने पूरी पाकिस्तानी कौम का दिल जीता है कि उसने रिटेलिएट किया, साथ वीडियो भी बनवाई और ये भी कहा कि आप अगर भारत जिंदाबाद या वंदे मातरम के नारे लगाएं या भारत माता की जय कहें तो ठीक, क्या पाकिस्तान जिंदाबाद, क्या मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करूंगा, क्या मैं भारत के नारे लगाऊं। तो वो ढिटाई के साथ वो शख्स कहता है कि हाँ, भारत माता की जय एक अच्छा नारा है, बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद एक गलत नारा है। अब इस पर भारत के बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट अपनी ही नरेंद्र मोदी सरकार पर बोल पड़े हैं। सुशांत मेहता के साथ साथ शुभंकर मिश्रा जो कि एक बड़े सहाफी हैं, उनकी जुबानी भी आपको सुनाएंगे जो कि सारी हकीकतें खोल देगा और किस तरह नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा रूल्स बना रखे हैं और यही एक कड़ी है कि पाकिस्तानी शायकीन को वहां का वीजा नहीं दिया गया। पुलिस मैन स्टॉपिंग अ पाकिस्तानी फैन सेइंग पाकिस्तान जिंदाबाद इन स्टेडियम। आई कैन सेंड यू द वीडियो इफ यू डोंट बिलीव। आई सॉ माय वीडियो। इट इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ लाइन, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे पाकिस्तान फैन, पाकिस्तानी फैन आए हुए हैं, आपने वीजा दिया हुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं, तो कोई बिजनेस ही नहीं है, पुलिस वाले को रोक रहे हैं। बहुत गलत हरकत है, बहुत ज्यादा गलत हरकत है, टेरिबल। नॉट एक्सेप्ट, वैसे ओवर कर दिया इन्होंने बहुत ज्यादा। ये नहीं होना चाहिए यार, या तो आप बाकी वीजा मत दो, वरना आप वो आया हुआ वो पाकिस्तान जिंदाबाद ही बोलेगा ना, वो पाकिस्तानी है। तो अब हम बैठे हुए पाकिस्तान में मैच देखने, तो हम हिंदुस्तान जिंदाबाद ही बोलेंगे ना। मैं तो मेरे को तो बड़ा अजीबो गरीब लगा। पता नहीं किसने उसको पुलिस वाले को पट्टी पढ़ा के भेजा या क्या रूल है, क्या है, मुझे नहीं। उसकी जस्टिफिकेशन भी कोई कैसे देगा वैसे? भाई अगर इंग्लैंड की सपोर्टर आए वो इंग्लैंड को सपोर्ट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया का सपोर्टर आए ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करेंगे, जिम्बाब्वे के सपोर्टर जिम्बाब्वे को सपोर्ट करेंगे, नेदरलैंड वाले नेदरलैंड को सपोर्ट करेंगे, तो पाकिस्तान वाला पाकिस्तान को तो सपोर्ट करेगा। और तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो उनको बताने दो भाई, तुम वीजा मत दो, बुला के तुम बेइज्जती कर रहे हो वैसे यार। ये तो गलत बात है ना, ये तो फिर उनकी जो इल्जाम लगते हो तुम सही प्रूफ कर रहे हो। बेड़ा गर्क को ऐसी हॉस्पिटैलिटी का, फिर उनको पता ही नहीं है, वो पुलिस वाले को भेज दिया, पता नहीं किसने पट्टी पढ़ा के इनको चुप करा दो, उसको किसी ने भेज दिया होगा यार। ये भी हो सकता है कि भाई सबसे पहले तो पुलिस वाले को पता करो, उसको शायद करो, शायद वो अपने हार गई हो या उसको इसलिए पसंद उसको पता ही नहीं है यार। आप कैसे कहेंगे किसी को भी चेस करो स्टेडियम के अंदर, वहां पे ड्यूटी कर रहे हो, या तो आपके सीनियर ने किसी ने बताया और आपके पास रीजन हो, वो भी लिखित में हो रीजन, किस राइटिंग में दो आपके, मैं फैन को क्यों रोकूं जब वो पाकिस्तान से आया हुआ है। उसके बाद आप जाके उसको रोक भी लोगे, आप पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते। वो बता रहे हैं तुम्हें भाई मैं पाकिस्तानी हूं। वेरी स्ट्रेंज, आई वांट टू अपोलोजाइज, आई नहीं होना चाहिए था, सही बोल रहे हैं आप इलियास जी। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में विवाद तब देखने को मिला जब एक पाकिस्तानी समर्थक पाकिस्तान की जर्सी में जोर जोर से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था और एक पुलिस वाले ने आकर उसे रोक लिया। इसके बाद पुलिस वाले को लेकर एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें तमाम पाकिस्तानी लोगों ने उसे ट्वीट भी किया है और ये सवाल उठाया है कि क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वो स्टेडियम में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। ये सवाल उठाए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग इसे कह रहे हैं कि यार ये गलत हुआ है, बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप किसी को कैसे रोक सकते हैं। अब अगर उस वीडियो पर आप जाएंगे
तो पाकिस्तान का समर्थक है और वो पुलिस वाले से बात करता है कि सर मैं पाकिस्तान जिंदाबाद नारा क्यों नहीं लगा सकता। तो कहते हैं कि नहीं नहीं दिस इज नॉट अलाउड हियर, ये यहां पर इजाजत नहीं है। इसके बाद वो समर्थक कहता है कि सर मैं पाकिस्तान से आया हूं, अब कैसे मना कर सकते हो, पाकिस्तान का मैच चल रहा है। वो कहते हैं नहीं नहीं आप नहीं कर सकते, ये ऊपर से मना है। सो ही इज लाइक कि सर आप इंडिया, तो इज लाइक हाँ इंडिया बोल सकते, तो इज लाइक सर इंडिया जिंदाबाद, ओके दैट्स ग्रेट, बट आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान का मैच देखने आया हूँ, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, सो आप हमें क्यों अलाउ नहीं कर रहे हैं, और अहमदाबाद में तो किया गया था, अहमदाबाद में हमने नारे लगाए थे और अपनी टीम को हम चेयर अप कर रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों मना कर रहे हो। और इसके बाद मोबाइल कैमरे से तमाम शूट उठ होते हैं और उसके बाद ये मामला, ये वीडियो सोशल मीडिया पर। अब इसमें पुलिस ऑफिसर की तरफ से एक स्टेटमेंट आ गया कि यार भारत माता की जय इज गुड बट पाकिस्तान जिंदाबाद इज नॉट अलाउड। अब इसको लेकर फिलहाल हंगामा मचा हुआ है, तमाम पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो खुलकर इसकी मुखालफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि यार आप ऐसा कैसे कर सकते हैं और ये क्यों किया जा रहा। बहुत सारे इश्यूज निकल कर आए, बीच में उन्होंने पुलिस वालों की तरफ से निकल कर आया कि पुलिस वाले ने कहा या कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए थे इस मैच को लेकर। दरअसल जिस मैच में रिजवान ने पैलेस्टीन के समर्थन के तो सोशल मीडिया पर, उसके बाद पुलिस प्रशासन को शायद हिदायत दी गई थी कि आप मैदान पर कोई भी ऐसे लोगों को ना ले जाने दें जो इसराइल या पैलेस्टीन से जुड़े कोई भी भड़काऊ कार्ड लेकर जा रहे हैं, जिसमें वो किसी का भी सपोर्ट कर रहे हैं, और पॉलिटिकल स्टैंड को लेकर मना करने की बात कही थी। और इस पुलिस वाले की तरफ से बाद में जो कहा गया वो ये था कि हमें स्टेडियम में प्ले कार्ड की इजाजत नहीं दी गई है, बैनर की जांच करने को मना किया गया, ऑल्सो कहा गया है कोई ऐसे नारे ना लगाए दी जाए जो प्रोवोकिंग हो, किसी को भड़काऊ करने वाले हो या किसी को भावनाओं को आहत करने वाले। हालांकि ये वीडियो, इस पे अगर आप उस पाकिस्तानी फैंस की भाषा सुनेंगे तो वो भाषा काफी डिसेंट नजर आती है, जहां पर वो कहता है कि सर इंडिया जिंदाबाद इज ओके। सो मेरे को एक मिनट की तो गदर मूवी का सीन याद आ गया, जिसमें गदर में सनी पाजी कहते हैं कि जी पाकिस्तान जिंदाबाद पर हिंदुस्तान भी जिंदाबाद, और अशरफ अली कहते हैं नहीं जी नहीं बोलो हिंदुस्तान, कहता है क्यों भाई पाकिस्तान जिंदाबाद है, हमारा हिंदुस्तान जो है वो भी जिंदाबाद है, ये निकलकर आवाज से आता। अब सवाल ये कि यार क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ऐसा होना चाहिए था, क्या पाकिस्तान जिंदाबाद की इजाजत दी जानी चाहिए थी। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो मतलब जो पुलिस वाले के साथ कुछ लोग हैं, उनका लॉजिक ये है कि बाबू मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद इंडिया में कह रहे हो तो पाकिस्तान में जाएंगे तो इंडिया जिंदाबाद कहने की इजाजत होनी चाहिए, कि यार वहां भी हम कह सकते हैं कि इंडिया जिंदाबाद और क्या पाकिस्तान उसका विरोध नहीं होगा। हालांकि पर्सनली मेरा इस टॉपिक को लेकर यह मानना है कि ऑफिसर ने जो किया वो ठीक नहीं था, ठीक नहीं था, ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि जिनको भी आपने इजाजत दी है पाकिस्तान को समर्थन करने के लिए वो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। सो जाहिर सी बात है कि जब वो पाकिस्तान को समर्थन करने के लिए पहुंचे तो वो कोई और नारे क्यों लगाएंगे, उनको पूरा अधिकार है क्योंकि आपने इजाजत दी है, एंड बीइंग अ होस्ट आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनका ख्याल रखें। सो वहां पर मेरे हिसाब से जो इंसिडेंट हुआ ये वन ऑफ द रेयरेस्ट इंसिडेंट था जो सभी इंडियंस को डिफाइन नहीं करता है, और इंडियंस ऐसा नहीं किया, सब ऐसे ही होते हैं, जो कुछ लोगों ने कह दिया यार देखो सारे इंडियन ऐसे हैं, सारा ऐसा 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 नहीं है। सोशल मीडिया पर भी बड़े पैमाने पर इंडियंस हैं जो इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं। हाँ अगर ये कोई इंडियन फैन होता जो इस तरह से कर रहा था तो उस पर एक चर्चा हो सकती थी कि क्या थोड़ा सा नोटोरियस चीज करने के लिए है, क्योंकि कई बार इंडिया में हम देखते हैं कि खबरें आती हैं इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद दोनों साइड से बातें निकली और कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज्यादा हो।